वृश्चिक राशि वालों नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से एक नई और ताजा वीडियो में। दोस्तों, आने वाले अगले दो दिनों में बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी वक्त है संभलने का, संभल जाओ, ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मा जी का लेखा जोखा अब पूरी तरह से बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सीधे शब्दों में यूं कहे तो जो समय का पहिया है वो अब पूरी तरह से घूमने वाला है। जी हाँ, एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखना कि सर्कस का झूला जितना पीछे जाता है वो उतना ही आगे भी जाता है, एकदम बराबर, ना आगे और ना पीछे। चिंता करने की जरूरत अब आपको नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिन्होंने आग को जितना रुलाया था वो भी अब उतना ही रोएगा। जी हाँ, क्योंकि ऊपर वाले का फैसला कभी गलत नहीं होता है। आने वाले अगले दो दिनों में आपकी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिनके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं किए होते हैं। हम सोचते हैं कुछ और तो हो जाता है कुछ और। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही कई बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। तो ये आने वाले अगले दो दिनों में क्या परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा, इसकी जानकारी हमने आज के वीडियो में प्रदान की है। बस थोड़ा सा समय निकालें और वीडियो को आखिरी तक जरूर से जरूर देखें। सबसे पहले बाबा महादेव के जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जो भी भक्त हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखेगा उन्हें भगवान महादेव जी सारे संकट दूर कर देंगे। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले दो दिन ग्रह स्थिति अनुकूल है, सिर्फ सही समय पर सही निर्णय जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, कोई पुराना झगड़ा आज जो है सुलझ सकता है, जो बहुत दिनों से कोई कलह कलेश वाद विवाद चल रहा था उनसे अब आपको पूरी तरह से निजात मिलेगा, जिससे संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय कुछ लोग आपके प्रति अफवाहें फैला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं, इसलिए छोटी मोटी बातों को भी नज़रअंदाज इस समय ना करें, परंतु अपने गुस्से और आवेग पर कंट्रोल रखना भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपका सहज और सहमति स्वभाव आपको मान सम्मान को बनाए रखेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे यह समय कॉल अथवा ईमेल के माध्यम से कोई खास खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ, पिछले कुछ समय से जिस कार्य के लिए प्रयासरत हैं, बहुत दिनों से आपका कोई कार्य नहीं बन पा रहा था, तो आज उससे संबंधित सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन रही है। जी हाँ, साथ ही किसी नज़दीकी मित्र का सहयोग आपकी हिम्मत और हौसला दोनों बढ़ाएगा। जी हाँ, किसी भी मित्र अथवा संबंधी की सहायता से आपकी कोई समस्या हल हो सकती है। जी हाँ, अगर कोई राजकीय या कोर्ट से संबंधित कोई मामला चल रहा था तो समाधान मिलने की भी जरूरत है। इससे संबंधित किसी भी बात को लेकर तनाव आपका बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय है यह समय अनुकूल है, आपको अपनी मेहनत और पराक्रम की अनुरूप उचित परिणाम हासिल होने वाले हैं। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी और रुके हुए कार्यों में भी गति आएगी। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे यह समय आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर रहेगी, इस समय अपने विचारों को सकारात्मक बनाना अति आवश्यक है। स्वभाव शक और संयम जैसी स्थिति रहेगी, आपके ऊपर दूसरों की परेशानियों का कारण बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको अभी थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। नए व्यवसायिक संपर्क बनेंगे, अनुभवी इंसान की महत्वपूर्ण सलाह आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।
जरूरी कागजात संभाल कर रखें, ऑफिस में अधिकारियों से संबंधित अच्छे व्यवहार रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय ग्रह गोचर आपके लिए लाभदायक स्थितियां बना रहा है, इसका भरपूर सम्मान करें, भरपूर सदुपयोग करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कुछ लाभकारी योजनाएं बनेगी वो परंतु क्रियान्वित भी हो जाएंगी। युवा वर्ग अपने कैरियर को लेकर सजग रहें, काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहें, क्योंकि आने वाले अगले इन दो दिनों में आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। उसके लिए आपको हर हमेशा तत्पर रहना होगा। लापरवाही करेंगे तो ये मौका आपके हाथ से निकल सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी शुभ अवसर अगर आपके हाथ में आता है तो जी जान लगा दीजिए, लेकिन उसे जाने मत दीजिए, क्योंकि वही आपके सफलता के द्वार खोल सकती हैं। पारिवारिक तथा व्यक्तिगत कार्यों की वजह से व्यस्ततापूर्ण दिनचर्या व्यतीत होगा और किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रह सकती है। माता पिता का खास ध्यान रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही साथ खुद का भी ध्यान रखें। विद्यार्थी को अपने कैरियर संबंधित किसी परेशानी की वजह से मार्गदर्शन की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको अपने बच्चों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बिजनेस संबंधित नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी नए कामों की शुरुआत करना चाहती हैं तो आपको अभी रुकना ही बेहतर रहेगा, नहीं तो आपको लाभ नहीं नुकसान होगा। जी हाँ, इस समय अपनी कार्य प्रणाली को किसी के समक्ष जाहिर ना करें, अन्यथा आपकी मेहनत का श्रेय कोई और लेकर जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिस में विवादों से दूर रहें और अपनी पर्सनल बातें, अपनी सीक्रेट बातें एक दूसरे के साथ शेयर ना करें तो आपके लिए बेहतर होंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय व्यस्त दिनचर्या व्यतीत होगा और आप अपनी मेहनत और लगन से नियत समय पर कार्य संपन्न कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, और बच्चों की पढ़ाई से संबंधित किसी समस्या का हल निकलने से बहुत अधिक सुकून मिलेगा। पुराने मतभेदों का भी निवारण हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, खुद पर ही भरोसा रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। सही समय पर सही निर्णय लेना ही आपके लिए उचित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर अगले दो दिनों में आप कोई महत्वपूर्ण कामों को कर लेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगा। जी हाँ, कोई भी निर्णय लेने में ज़्यादा सोच विचार ना करें, अन्यथा जो है समय हाथ से निकल भी सकता है। दूसरों की बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास करना नुकसान दे सकता है। इसलिए दोस्तों, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, तो ये आपके लिए बेहतर होंगी। इस समय बिजनेस में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा शोकड़ना रहने की नज़र डालने की ज़रूरत है। रुकावटें बनी रहेगी, समय रहते परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। जी हाँ, और इनकम स्थिति रहेगी, ऑफिस का माहौल सुकून भरा रहेगा। लेकिन दोस्तों, एक दूसरे पर अभी आपको विश्वास करने से ज़रा बचना होगा, क्योंकि आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी देखकर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे में वो आपके प्रति अफवाहें फैला सकता है, गलत गलत बातें इधर उधर मजाक बना सकता है। तो इनसे लोगों से आपको अभी दूरी बनाकर रखना ही उचित रहेगा और पति पत्नी आपसी संबंधों के बीच मन मुटाव का नकारात्मक प्रभाव घर की व्यस्तता पर भी पड़ेगा। इसलिए एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आने वाले अगले दो दिन कुछ इस तरह से रहने वाला है। अगर वीडियो में कोई भी पार्ट आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।